अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक और नए रिव्यू के साथ। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो एक ऐसे अतर के ऊपर है जो डिसकंटिन्यूड है और अभी नहीं मिलता, लेकिन लक बाय चांस दोस्तों मेरे नसीब में ये अतर आया और मुझे मिला ये बहुत मुश्किल से। और मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे सोचा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ, यानी मैंने इसे डीकैन किया है और 1 ग्राम की मैंने 12 बॉटल बनाई है, जिसमें से 1 बॉटल मैं अपने लिए रखूँगा और 11 बॉटल्स है वो मैं आप लोगों के साथ में इसे डीकैन करके सेल करूँगा। तो दोस्तों ये जो अतर है, जिन लोगों को ये मिल जाए, जो लोग ये ख़रीद पाए उनके लिए बेहतर, जिन लोगों को ये ना भी मिले लेकिन मेरी वीडियो के थ्रू आप इस बॉटल की खूबसूरती, इस अतर में ऐसा क्या इन्होंने बनाया है कि ये इतना फेमस है और डिसकंटिन्यूड भी हो चुका है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे ऐसे थे कि ये बॉटल जो है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो ये हमारे इंस्पायर्ड है होली काबा के ऊपर, और बहुत से लोग इसकी बेहद भी करते हैं दोस्तों, इसे सही जगह पे नहीं रखते, इस वजह से ये अतर को डिसकंटिन्यूड कर दिया है। और बहुत से ऐसे अतर के नाम भी इन्होंने चेंज कर दिए, जिस वजह से अभी ये अतर मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जैसे आपकी मैंने कहा कि मुझे लक बाय चांस ये अतर मिल गया है, तो हम बात करेंगे दोस्तों इस अतर के बारे में और ये इसकी खुशबू कैसी है और ये क्या प्राइस का है। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों, ये अब्दुल समदुल कुरैशी ब्रांड से है और ये इनका वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन है, सदीन ब्लेंड करके इसका नाम है दोस्तों। ये 12 ml की साइज़ में आता था पहले, इससे पहले ये 18 ml की साइज़ में आता था, लेकिन उन्होंने उसे चेंज करके उन्होंने 12 ml कर दिया, लेकिन उसका जो फॉर्मूला, जो ब्लेंडिंग था वो सेम रखा। अब ये जो है दोस्तों आपको ऐसे 1 ग्राम की बॉटल में मिलेगी, और ये मेरी बॉटल है जिसे मैं सेल नहीं करूँगा, बट ऐसे ही आपको सेम दूसरी बॉटल्स में डीकैन करके मिलेगा। इसकी जो कॉस्ट है वो है 2500 rupees फॉर 1 ग्राम। ये जो है दोस्तों, अब इसमें जो आपको मटेरियल्स, जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, इसमें 5 सिंपल लेकिन बहुत ही हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं। सबसे पहले जो है दोस्तों वो है टैफ रोज़, वो भी हाइस्ट क्वालिटी का, जिसकी खुशबू आपको एक मिंटी सी, ग्रीनिश, सोपी सी और बहुत ही थोड़ी स्पाइसी, हनीश टाइप की लगती है, जैसे फ्रेश पेटल्स होते हैं ना, उस टाइप की खुशबू है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ हुआ है वो है एजेड इंडियन ऊद। इंडियन ऊद जो है दोस्तों वो एजेड है, जिस वजह से उसकी जो खुशबू है वो मिठास में आ गई है, वो एक स्वीट ऊद है ना, इसमें आपको बानियार्ड ना लेदरी खुशबू मिलती है, बल्कि एक स्वीट, मीठी, इंसेंसी खुशबू मिलती है जो बहुत ही प्यारी लगती है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इसमें वो है एम्बर। एम्बर भी जो दोस्तों उसमें आपको थोड़ी टोबैकोइश, थोड़ी सी आपको वेनिलिक खुशबू मिलती है, स्वीटिश खुशबू मिलती है, जिससे ये थोड़ा गार्मेंटिश अतर है, ये एक परफ्यूम टाइप की अतर है। इसमें आपको कोई हार्ड स्मेल नहीं है, थोड़ा इंस्पायर्ड, अगर मैं आपको कोई चीज़ से इंस्पायर करके बताऊँ तो ये जो है दोस्तों आपको एक पान मसाले में जो हम सैफ्रॉन, एम्बर और टोबैकोइश की खुशबू आती है ना, वो भी आपको इससे मिलती जुलती मिलेगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस, सेटल्ड और बिल्कुल नेचुरल के करीब है दोस्तों। और चौथा जो इंग्रेडिएंट्स में इस्तेमाल हुआ है वो है सैफ्रॉन। सैफ्रॉन जो है वो पाउडरी है और उसमें भी आपको वो अर्दीनेस, वो स्पाइसीनेस मिलती है। जो लास्ट वाला इंग्रेडिएंट से मिलता है वो है इनमें ब्लैक मस्क। ब्लैक मस्क जो इस्तेमाल हुआ है दोस्तों वो एनिमलिक नहीं है, बल्कि वो भी एक स्वीटिश वेनिलिक मस्क है, जो सैफ्रॉन के साथ में बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन करता है और खुशबू जो है दोस्तों बहुत ही कमाल की निकलती है। ये यूनिसेक्स अतर है, प्रोजेक्शन कम मिलता है लेकिन लास्टिंग इसकी 7 से 8 घंटा रहती है। इसे ज़्यादातर आप अगर अपने फोर आर्म्स पे लगाओगे, कपड़ों पे लगाओगे, तो ये पूरा एक सेंट बबल क्रिएट करता है, और आपके भले आप क्लोज एनवायरनमेंट में हो या आप आउटडोर में जाओ, आपको वो बबल क्रिएट करके वो खुशबू आपको आती रहेगी, जो मीठी होती जाएगी, स्वीट होती जाएगी और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है दोस्तों। कमाल की दोस्तों अतर है, और इनकी जो बॉटल भी इन्होंने बनाई दोस्तों वो भी ज़बरदस्त है। आप कितनी खूबसूरत माशाल्लाह से बनाई इन्होंने बॉटल। तो दोस्तों ये था आज का मेरा रिव्यू शॉर्ट सार्डिन ब्लेंड के ऊपर दोस्तों। मिलते हैं हम जल्दी ही दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशबू फैलाते रहिए और अपनी भाई की वीडियो आगे बढ़ाते रहिए। स्टे सेफ और अल्लाह हाफिज़।